गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अभी मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? सरप्राइज, क्योंकि मुझे लेना है आज। अच्छा, वैसे टोटल आप लोगों को क्या पता है बीबीए में कितने सरप्राइज टेस्ट होंगे? 15 होंगे या 12 होंगे? कुछ आइडिया है आप लोगों को? कितना आप लोगों को अभी बताया गया है? किसी को कुछ आइडिया है कितने सरप्राइज टेस्ट होंगे? 12 होंगे शायद। 12? अच्छा, हाँ सर। हाँ, 12 भी होने चाहिए, नहीं तो उससे ज्यादा तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। मेरे ख्याल से उतना टाइम भी नहीं होगा कि 15 पूरे हो पाने, वो उतना तो पॉसिबल भी नहीं है। अभी मुझे भी 12 ही दिख रहे हैं, लेकिन और सभी जगह 15 हो रहे हैं, तो अभी इधर बीबीए को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कितने सरप्राइज टेस्ट। 15 कह रहा था कोई, 12 कह रहा था सबको, इसका कोई अभी फिक्स तो पता नहीं है सर। अभी मुझे इधर ये पीपल सॉफ्टवेयर भी 12 ही दिख रहे हैं, लेकिन वही है कि अगर ऑर्डर आ गया कि नहीं 15 होने हैं तो 15 ही होंगे। अच्छा, आप लोग के मार्क्स अपडेट हो गए हैं, ठीक है? आज मैं कॉलेज में ही हूँ, इधर मैंने मार्क्स वगैरह आप लोग के क्विज के अपडेट कर दिए, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। क्विज वन के जिसके भी जिसको कुछ प्रॉब्लम थी क्विज वन के मार्क्स में चेक कर लेगा। वो तो हो गए ऑलरेडी, क्विज टू, क्विज थ्री, सारे मार्क्स अपडेट हो गए। मैं क्विज वन की बात कर रहा हूँ, जिधर कुछ प्रॉब्लम थी बच्चों को, जिधर कुछ दिक्कत थी स्टूडेंट्स को कुछ मार्क्स को लेके, जिनके मार्क्स नहीं चढ़ पाए थे, वो लोग देख लेना। वैसे तो बाकी जितने भी क्विजेस हुई हैं लास्ट वाली छोड़ के, बाकी सारे मार्क्स तो अपडेट हो ही चुके हैं। अभी मेरे ख्याल से आप लोग का, अच्छा मैंने शेयर कर दिया है लिंक, ठीक है, सरप्राइज क्विज के लिए। तो अभी मेरे ख्याल से अभी आप लोग के एक क्विज और होना है शायद, फिफ्थ। अटेंडेंस आप लोग को चैट बॉक्स में देने की जरूरत नहीं है, आप लोग सरप्राइज टेस्ट दे दो, उधर से अटेंडेंस मुझे मिल जाएगी।
अभी तो रिस्पॉन्सेस आ जाना चाहिए अभी तक। जल्दी करिए, 5 मिनट का टाइम है बस, इतना ही। जल्दी करिए, 10 20 मैक्सिमम जो टाइम मैं दे रहा हूँ 10 20, ठीक है? 20 के बाद मैं क्लोज कर दूंगा रिस्पॉन्सेस, तो जल्दी सबमिट करिए। केवल 2 रिस्पॉन्सेज आए हैं।
बहुत टाइम ले रहे हो आप लोग, बस अभी मैं लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट और उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। ये आसान क्वेश्चंस दिए, इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। जल्दी करिए क्योंकि उसके बाद मुझे ये क्वेश्चंस डिस्कस भी करने हैं, उसके बाद मैं नहीं ओपन करूंगा। एक बार क्लोज कर दिया फिर ओपन नहीं करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चंस मुझे अभी डिस्कस भी करने हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप लोग के आंसर्स मतलब आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, ना ही क्विज में ना ही सरप्राइज टेस्ट में। तो अभी हम लोग क्विजेस को और जो पहले की क्विजेस हैं वो उनको डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में, और ये सरप्राइज टेस्ट जो आज हुआ है इसको भी डिस्कस करना है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी इसको खत्म करो, इससे मैं डिस्कस कर पाऊँ उसको। ठीक है, ये कौन है, शिव शंकर गुप्ता, ये दो दो आईडी से कैसे ये लॉग इन कर रहे हैं। चलिए अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता और इससे ज्यादा टाइम आप लोग मतलब अभी इतना टाइम हो चुका है, अब इससे ज्यादा टाइम मैं दे नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, क्लोज कर रहा हूँ अभी मैं। चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, एज पर सेक्शन 60 इनकम इज क्लब्ड इफ, ठीक है, कौन बताएगा। असेट यील्डिंग सर बी, इनकम इज ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफरिंग असेट यील्डिंग इनकम, करेक्ट। मतलब अगर आप इनकम ट्रांसफर कर रहे हो
और असेट को बिना ट्रांसफर किए हुए, जैसे मैंने डिवेंचर का एग्जांपल दिया था, या कोई हाउस प्रॉपर्टी है सपोज, वहां से आपको रेंट मिल रहा है, आपको ने रेंट को केवल जो आपको मिल रहा है वो आपने ट्रांसफर कर दिया, इनकम को, असेट को नहीं ट्रांसफर किया. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन इज क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर इफ, ठीक है, स्पाउस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, स्पाउस को ट्रांसफर किया गया असेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन. ठीक है, तो अभी वहां पर क्या होना चाहिए, सच असेट इज होल्ड बाय स्पाउस एज ऑन लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, रिलेशनशिप बिटवीन देम एग्जिस्ट एज ऑन डेट ऑफ अक्रूवल ऑफ इनकम, ट्रांसफरी इज नॉट अ सीनियर सिटीजन, सच असेट इज होल्ड बाय द स्पाउस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. तो यहां पर क्या होगा, बी, ठीक है, रिलेशनशिप, अगर स्पाउस की बात करें तो वहां हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका डिवोर्स हो चुका है या उनकी मैरिज के पहले वो ट्रांसफर हुआ है, तब वो बिल्कुल भी वो यहाँ पर आप उसको नहीं मानोगे. ठीक है, उसको क्लब नहीं किया जाएगा इनका, वो जो भी असेट होगी, जो भी उस असेट से जो भी इनकम हो रही होगी उसको आप क्लब नहीं करोगे. नेक्स्ट, For the purpose of section 64, an individual have substantial interest in a company if he holds 20% voting right along with relative. ठीक है, मतलब relative, मतलब कि 20% उसके पास, जो भी individual है उसके पास अगर voting power है, voting rights है, तो उसका substantial interest है उस organization में. ठीक है, लेकिन मतलब कि वहां पे एग्रीगेट देखते हैं, मतलब उनके उसके अगर कोई रिलेटिव है तो उसको उसके भी जितना उसने उसके पास वोटिंग राइट्स है, वोटिंग पावर है, उसको भी आप इंक्लूड करते हो. ठीक है, तो अभी क्या है, हेयर रिलेटिव डू नॉट इंक्लूड, फादर को इंक्लूड करते हैं, स्पाउस को इंक्लूड करते हैं और ब्रदर को इंक्लूड करते हैं. किसको नहीं इंक्लूड करते, ब्रदर ऑफ फादर. ठीक है, ये चीज मैंने बताई थी डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव में. आगे बढ़ते हैं, व्हेन इनकम ऑफ अ माइनर इज क्लब्ड असेसी विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 1032. कितना अमाउंट है, ए 1500. करेक्ट, इसमें इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी का, इनकम क्लब्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1500, मतलब ये बोल रहा है कि 1500 मैक्सिमम क्लब किया जाएगा, ये बोल रहा है, मतलब उसके ऊपर की इनकम को आप क्लब नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है. ठीक है, एग्जेम्प्ट यहां बता रहे हैं ना, डिडक्शंस हम लोग बात कर रहे हैं, डिडक्शंस तो 1500 है, यानी 1500 के ऊपर जो जो भी अमाउंट होगा जितना, वो आप क्लब करोगे ना, ये बोल रहे हैं 1500 मैक्सिमम लिमिट है क्लब करने की. नेक्स्ट, मिस्टर एक्स माइनर डॉटर अर्न्ड 50,000 रुपीज फ्रॉम स्पेशल टैलेंट. तो स्पेशल टैलेंट है तो बिल्कुल भी आप यानी कि वो क्या किया जाएगा, द इनकम ऑफ मिस्टर एक्स कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, द इनकम ऑफ मिसेज एक्स, नहीं, दोनों के में नहीं करनी है. मिस्टर एक्स एंड मिसेज एक्स हूएवर इनकम इज हायर, बिल्कुल नहीं, इट विल नॉट बी क्लब्ड. ठीक है, ये तो पता, अगर स्पेशल टैलेंट वगैरह से अगर कोई इनकम जनरेट की होती है तो आप उसको क्लब नहीं करते. नेक्स्ट, मिस्टर ए गिफ्टेड डिवेंचर ऑफ रुपीस 1,00,000 रुपीस टू हिज वाइफ, शी रिसीव्ड 10,000 रुपीस इंटरेस्ट. अभी डिवेंचर इन्होंने गिफ्ट किया अपनी वाइफ को और उधर से उनकी वाइफ को इंटरेस्ट मिला कितना, 10,000 रुपए, विच शी री इन्वेस्ट एंड अर्न 1,000 रुपीज. ठीक है, वो 10,000 रुपए जो इंटरेस्ट के मिले उसको वापस उन्होंने फिर से उसको री इन्वेस्ट किया, सपोज उसे कोई स्टॉक ले लिया या कोई कहीं इन्वेस्ट कर दिया, डिवेंचर्स में ही इन्वेस्ट कर दिया, और उधर से 1,000 रुपए का इनको प्रॉफिट हो गया. ठीक है, तो वो 1,000 रुपए किसके अकाउंट में टैक्सेबल होगा, मिस्टर ए के अकाउंट में या मिसेज ए के? इसके अकाउंट में टैक्सेबल होगा, मिसेज ए? नहीं, क्यों, अरे ये चीज तो बताई थी ना,
अगर आपका कोई असेट ट्रांसफर किया जाए उस वो असेट से जो इनकम हो रही है वो तो ट्रांसफरर के अकाउंट में टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर जो है जो असेट की इनकम से आप उसको वापस फिर से इनकम जनरेट कर रहे हो, ठीक है, मतलब जो आपने असेट ट्रांसफर किया उससे जो इनकम निकल के आई उस इनकम से आप इनकम यानी कि उसको री इन्वेस्ट करने के बाद जो इनकम निकल के आ रही है वो हमेशा ट्रांसफरी यानी जिसके पास वो असेट है उसके अकाउंट में टैक्सेबल। ये तो मैंने बताया हुआ था, ये सारी एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। इनकम अराइजिंग टू अ माइनर मैरिड डॉटर शैल बी, मैंने पहले बताया था माइनर मैरिड डॉटर को बिल्कुल आप इंक्लूड करते हो, तो इस यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन बी यानी क्लब्ड विथ इनकम ऑफ पेरेंट हुज टोटल इनकम इज हायर, ठीक है। माइनर है चाहे मैरिड है अनमैरिड है उससे मतलब नहीं है, अगर माइनर डॉटर है तो उसकी इनकम को क्लब किया जाएगा, ठीक है, और किसकी इनकम है जिसकी भी ज्यादा जिस पेरेंट में जिसकी भी इनकम ज्यादा है उसकी इनकम में आप क्लब करोगे, ठीक है। इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80U, तो ये बिल्कुल भी टैक्सेबल होगा किसके अकाउंट में, असिस्ड इन हैंड्स ऑफ माइनर, हाँ करेक्ट, असिस्ड इन हैंड्स ऑफ माइनर, आप अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वहां पर आप उसकी इनकम को जो भी चाइल्ड है माइनर चाइल्ड है उसकी इनकम को आप क्लब नहीं करते हो, ठीक है, तो मैंने इसका बताया था एसोसिएट होगा फिर जो डिसेबिलिटी। एग्जेम्प्ट देखो होती है। नहीं 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 क्लब तो किया जाएगा, सॉरी क्लब क्लब नहीं किया जाएगा लेकिन टैक्सेबल इनकम तो होगी, एग्जेम्प्टेड थोड़ी ना है, आप लेकिन उसको ये तो क्लब नहीं कर सकते, बस केवल उसको आप क्लब मतलब आप पेरेंट की इनकम में क्लब नहीं कर सकते। किसकी किसकी इनकम मैंने बताया था, आप अगर माइनर चाइल्ड है उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट है, ठीक है, उसकी वजह से, या फिर अगर डिसेबिलिटी है उसकी तो आप उसको क्लब नहीं करोगे, ये बताया था, ये वो एग्जेम्प्ट है टैक्सेबल है वो मतलब नहीं है। देखो टैक्सेबल होगा जो माइनर चाइल्ड है उसी के अकाउंट पे, ठीक है, फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे देखेंगे कि वो इनकम टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी, वो इसकी इनकम कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी टैक्सेबल होगी, ठीक है। एग्जेम्प्टेड तो बिल्कुल भी नहीं है कोई भी इनकम, नेक्स्ट, इन सर्टेन केसेस इनकम ऑफ अदर पर्सन इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ असेसी इज कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट वुड बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ट्रांसफर ट्रांसफर, ठीक है ठीक है। चलिए फिर जी, फिर लास्ट क्लास में जो क्या आप देख रहे थे वेल्थ टैक्स, ठीक है, उसको देख लेते हैं थोड़ा बहुत। हाँ हम लोग बात कर रहे थे वेल्थ टैक्स में, मैंने बात की थी असेट्स की, जहाँ पर मैंने बताया था कौन कौन से ऐसे असेट्स है जो टैक्सेबल है, कौन कौन से ऐसे असेट है जो नहीं टैक्सेबल है, जहाँ पे जो मेन पॉइंट निकल के आया था वो ये कि जो भी अगर आपके पास कोई असेट है और आपका स्टॉक इन ट्रेड में है, मतलब आप उस चीज की ट्रेडिंग कर रहे हो, उस असेट की ट्रेडिंग में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो बिल्कुल भी वेल्थ टैक्स के लिए आप नहीं टैक्सेबल होगा वो असेट, ठीक है। एक तो ये चीज निकल के आई थी, दूसरी चीज क्या है कि ऐसी असेट जो डीम्ड असेट है, मतलब कि जो आपकी असेट नहीं है मगर वो आपकी असेट में आपको उसको इंक्लूड करते हो और उसके लिए आपको टैक्स पे करना होता है, उसको बोलते हैं डीम्ड असेट, ठीक है। व्हाइल कंप्यूटिंग वेल्थ टैक्स बिसाइड असेट इट्स ओनरशिप इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ऑन वैल्यूएशन डेट ऑन 31 मार्च असेसी इज ओनर ऑफ सर्टेन असेट विच आर इंक्लूडेड इन हिज नेट वेल्थ, बट देयर आर सर्टेन असेट्स हुज ओनरशिप इज नॉट विद द असेसी बट देन टू दीज आर इंक्लूडेड इन हिज वेल्थ, ठीक है। आप फिर भी उसको आप इंक्लूड करते हो, क्योंकि क्या होता है जैसे मैंने पहले बताया था कि कुछ लोग
ये करते हैं, टैक्स को अवॉइड करने के लिए, टैक्स को कम करने, टैक्स लाइबिलिटी को कम करने के लिए वो असेट को ट्रांसफर कर देते हैं स्पाउस को या कोई रिलेटिव को, किसी को, ठीक है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो अगर ऐसा ट्रांसफर होगा तो आप उस असेट की इनकम में वो जो ट्रांसफरर होगा उसी के अकाउंट में वो टैक्सेबल होगा। चाहे हम लोग देखो क्लबिंग ऑफ इनकम में बात कर रहे थे, वहां भी असेट को ट्रांसफर किया जाता था, वो भी ट्रांसफरर के अकाउंट में टैक्सेबल होते थे, ठीक है। कि अगर कोई असेट से इनकम आप जनरेट कर रहे हो तो वो अगर आपने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर किसी को ट्रांसफर किया तो वो इनकम आपके जो ट्रांसफरर है उसके अकाउंट में टैक्सेबल होगी। वही सेम जो है चीजें यहाँ पर भी है, ठीक है, लगभग लगभग सेम रूल्स है, इसीलिए मैंने उसके बाद ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मिलता जुलता है दोनों, ठीक है। असेट्स की बात करें तो वही चीज यहाँ पर देखना होता है, डीम्ड असेट मतलब कि ऐसी असेट जिसको आपने टैक्स अवॉइड करने के लिए दूसरे को ट्रांसफर कर दिया लेकिन वो टैक्सेबल होगी आपके अकाउंट में। हम लोग बात कर रहे थे क्लबिंग ऑफ इनकम में, जहां पे आप असेट से जनरेट की हुई इनकम को आप देख रहे थे किसके लिए टैक्सेबल है। यहाँ आपको देखना है कि जो वेल्थ टैक्स के लिए कौन लाइबल है, मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, असेट को वैल्यूएट करना है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और उस पे जितनी भी वैल्यू निकल के आ रही है उसका 1% आपको टैक्स देना है एज ए वेल्थ टैक्स, ठीक है। तो डीम्ड असेट की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सच असेट्स विल बी इंक्लूडेड इन नेट वेल्थ ऑफ एन असेसी इफ द सेम हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय हिम टू हिज फैमिली मेंबर विदाउट प्रॉपर और नो कंसिडरेशन, ठीक है। दोनों चीजें यहाँ पे इंक्लूड होंगी, मतलब आप विदाउट कंसिडरेशन या फिर विदाउट प्रॉपर कंसिडरेशन, ठीक है। दिस इज डन टू सेव टैक्स। The transfer is following cases shall be included in the net wealth of the assessee. सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर वही सेम चीजें आएंगी, यहाँ पर देखिए asset transfer to spouse. If asset after 31st March 1956 transfers to his spouse any asset directly or indirectly without और फॉर एनी विदाउट और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब आप विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब पूरा पूरा आप कोई भी चीजें, मतलब कि जो है विदाउट कंसिडरेशन मतलब कि आपने असेट को ट्रांसफर कर दिया बिना कुछ लिए हुए, या फिर आपने कुछ थोड़ा बहुत लिया लेकिन वो जितनी उसकी वैल्यू है उतना प्राइस आपको नहीं मिला, ठीक है, दोनों चीजें इंक्लूड होंगी आगे यहाँ पर। तो सच असेट शैल बी इंक्लूडेड इन द नेट वेल्थ ऑफ द ओरिजिनल ओनर और ट्रांसफरर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, जैसे कि अगर ऐसा कुछ ट्रांसफर होता है लेकिन ये केसेस भी हैं तो आप उनको बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करोगे ट्रांसफरर के अकाउंट में। क्या है, द फॉलोइंग ट्रांसफर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेट वेल्थ ऑफ द असेसी इफ ट्रांसफर इज बिफोर मैरिज और आफ्टर डिवोर्स। सेम चीजें आ रही, सेम पॉइंट मिल रहा है आप लोग को। इफ ट्रांसफर इज बिफोर 1st April 1956, ठीक है, अगर ट्रांसफर 1st April 1956 के पहले हुआ हो, इफ द ट्रांसफर इज डन रीजनेबल फॉर रीजनेबल कंसिडरेशन, हाँ ठीक है, अगर रीजनेबल कंसिडरेशन जो भी चीजें आपको मिल रही है उसके बदले में आपको कुछ जो भी मतलब कि कंसिडरेशन जो है वो रीजनेबल है, ठीक है, आपने जो असेट ट्रांसफर किया उसके उसके लिए आपको कुछ अमाउंट आपको मिल रहा है, जो जितनी वैल्यू है उस एसेट की उतना अमाउंट आपको मिल रहा है, ठीक है। इफ ट्रांसफर इज डन आफ्टर बीइंग डिसाइडेड टू लीव अपार्ट, अगर ये डिसाइड करने के बाद कि दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों अलग हो जाएंगे उसके बाद वो ट्रांसफर हो रहा है, तब इफ ट्रांसफर इज मेड बाय मुस्लिम हस्बैंड टू हिज वाइफ इन फॉर्म ऑफ मेहर, ठीक है, इफ द असेट ट्रांसफर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, ये एक चीज है, ठीक है, यहाँ पे ये ड्यूरेशन पे अगर ट्रांसफर हुआ है तो आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे। फ्रॉम 1st April 1963 टू 31st March 1971, ठीक है। अभी सेकेंड पॉइंट, असेट हेल्ड बाय माइनर चाइल्ड, ठीक है, after assessment year 1993-94 all asset held by minor except some exceptions will be included in the net wealth of the parents of a minor.